हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। उम्मीद करती हूं आपकी होली काफी रंगीन रही होगी, काफी मजेदार रही होगी। अब हम शुरू करते हैं आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज से। पेपाल कंपनी का नाम आप सभी जानते होंगे। इन्होंने यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अपने पार्ट से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इन्होंने बेसिकली अपनी जो सर्विसेज थी वो एक्सपैंड कर दी हैं यूक्रेन में यूक्रेनियंस के लिए। क्या सर्विसेज एक्सपैंड की? पहले इनकी सर्विस यूक्रेन में बस इतनी थी कि जो यूक्रेनियंस हैं वो बाहर इंटरनेशनली किसी को भी रुपए भेज सकते थे लेकिन रिसीव नहीं कर सकते थे, सिर्फ सेंड कर सकते थे। लेकिन अब वो सेंड भी कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड से रिसीव भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पेपाल ने जो एक और बहुत अच्छा कदम उठाया है यूक्रेन के लिए वो ये कदम है कि जो ट्रांजैक्शन फी है उसे खत्म कर दिया गया है इन ट्रांजैक्शंस के लिए। BSNL याद है आप लोगों को? एक कंपनी हुआ करती थी जो सरकारी थी और उसके बाद लॉस में चली गई और फिर अब उतनी तो मतलब उतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन हाँ एग्जिस्ट करती थी। और अब सरकार ने BSNL को एक और मौका दिया है अपने जो लॉसेज है उन्हें टर्न अराउंड करने का। कैसे ये मौका दिया है? तो BSNL के MD ने बताया है कि सरकार ने डिसीजन लिया है BSNL और BBNL को मर्ज करने के लिए। इससे क्या होगा, BSNL को 5.67 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा जो 1.86 लाख विलेजेस में एक्सपैंडेड होगा। BSNL आपको बता दें भारत संचार निगम लिमिटेड और BBNL जो है वो भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड। तो अब ये दोनों बड़ी कंपनीज मर्ज होने वाली हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब उनका गोल ये है कि भारत की जो जनता है, जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं लेकिन अभी टैक्स पे नहीं करते, उन्हें भी इस टैक्स पेइंग अम्ब्रेला के अंडर लाना। अब CBDT के चीफ ने कहा है कि वो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं कि लोगों को टैक्स के बारे में नॉलेज हो, बैंकिंग के बारे में नॉलेज हो, ताकि और लोग टैक्स पेयर्स बन सकें भारत में। रिलायंस रिटेल ने 89% इक्विटी ली है एक वुमेन इनरवियर क्लोविया में। 950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस रिटेल ने इस ब्रांड में। 2013 में क्लोविया ब्रांड लॉन्च हुआ था। बहुत जाहिर सी बात है कि रिलायंस को कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है इस ब्रांड में। महाराष्ट्र का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंफ्रा मार्केट, इनके ऊपर पड़ी IT रेड और पता चला कि 224 करोड़ का घपलेबाजी इन्होंने कर रखी है। इसके बाद ये कह रहे हैं, अब इंफ्रा मार्केट वाले कह रहे हैं कि हम ये जो अथॉरिटीज हैं इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि ये इश्यू सॉल्व हो सके। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको लगता है कि 224 करोड़ का जो घपलेबाजी है बेसिकली अनडिटेक्टेड इनकम है, इसे सॉल्व करने के लिए खुद हेल्प कर रहे हैं अगर IT डिपार्टमेंट की, तो क्या इसका मतलब ये है कि इन्होंने घपलेबाजी नहीं की है। सुजुकी गुजरात में इन्वेस्ट करने वाली है 10,440 करोड़ टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हुआ है इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा। जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि वो और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते रहेंगे ताकि जो आत्मनिर्भर भारत की एक जो का जो सपना है वो रियलाइज हो सके। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जब से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन शुरू किया है तब से एक चीज है जो बहुत ही काबिले तारीफ है, दुनिया में हर कोई इसकी बात कर रहा है, वो है यूक्रेनियंस का स्पिरिट टू फाइट, टू नॉट गिव अप सो इजिली, भले उनके वो लीडर्स हों या फिर उनकी आम जनता। इसी बीच एक बहुत अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल ये सामने आया कि एक कंपनी थी जो ब्राइडल गाउन्स डिजाइन करती थी और इस समय वो सोल्जर्स और मेडिकल वर्कर्स के लिए वेस्ट और मिलिट्री नेट्स डिजाइन कर रहे हैं। उनके CEO का कहना है कि हमारा काम है कि दुनिया भर में जो ब्राइड्स हैं उन्हें खुश करना, लेकिन इस समय हमें अपने देश की रक्षा करनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने राजेश गोपीनाथन को अपना MD और CEO दोबारा से बनाया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिससे पता चला है कि जनवरी 2022 से लेकर अब तक रशिया में जितने इंटरनेट शटडाउन हुए हैं उससे रशिया को $860 मिलियन का नुकसान भुगतना पड़ा है। और ये इंटरनेट शटडाउन लगातार चल रहे हैं तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि कितना और ये बढ़ता जा रहा होगा ये जो नंबर है।
इसी लिस्ट में, मतलब ये जो लिस्ट है इसमें रशिया फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर इसमें है कजाकिस्तान, लेकिन उनका जो लॉस है वो रशिया के लॉस से काफी कम है। उनका लॉस समवेयर अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स पर है, पर रशिया तो 860 मिलियन डॉलर्स, बिग डील। नेटफ्लिक्स का एक बड़ा छोटा सा फीचर है स्किप इंट्रो बटन, यानी कि जब भी आप कुछ नया चलाते हैं नेटफ्लिक्स पे तो इंट्रो आता है, आप वो स्किप इंट्रो पे क्लिक करते हैं तो वो इंट्रो स्किप हो जाता है, नॉट अ बिग डील राइट। लेकिन नेटफ्लिक्स ने एक रीसेंट रिपोर्ट में बताया है कि वो जो स्किप इंट्रो बटन है वो एक दिन में 195 मिलियन टाइम्स प्रेस होता है, और तो और उससे यूजर्स की लाइफ के 195 इयर्स ओवरऑल बचते हैं। कैसे? इन्होंने बताया कि 5 साल पहले इन्होंने स्किप इंट्रो बटन लॉन्च किया था, उसके पहले क्या करते थे यूजर 15% ऑफ द टाइम वो 5 मिनट तक खुद ही एडवांस करते थे सीरीज, यानी कि मैनुअली एडवांस करते थे। अब जब स्किप इंट्रो बटन है तो दे जस्ट नीड टू क्लिक अ बटन और उससे ऑल ओवर यूजर्स की 195 इयर्स ऑफ मतलब लाइफ एक तरह से बच रहे हैं। इजंट इट अ बिग डील? नायका फैशन की सीईओ अद्विता नायर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इन्वेस्टर्स के द्वारा काफी रिजेक्शन सिर्फ इसलिए झेलने पड़े क्योंकि वो जो इन्वेस्टर्स यूनिट थी उसमें कोई भी महिला नहीं थी। तो जो ये मेल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे ये कभी भी नायका के इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे जो कि वुमेन सेंट्रिक थे। उनका कहना है कि जब भी बिजनेसेस में वुमेन नहीं होती ऐसी पोजीशन पर जहां वो इन्वेस्ट कर सकें, डिसीजन ले सकें, तो वुमेन सेंट्रिक जो बिजनेसेस होते हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाते। एंड आई एग्री विद हर ऑन अ पर्सनल लेवल। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि अब यही इन्वेस्टर्स हैं जो नायका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम पर इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये इनके इंटरेस्ट में नहीं था और उनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स में कोई भी वुमेन नहीं थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ओयो अपने आईपीओ प्राइस को कम करने वाला है, यहां तक कि हाफ द प्राइस पर भी जा सकता है। आपको बता दें सितंबर 2021 में इन्होंने ड्राफ्ट फाइल किया था लेकिन अभी तक इन्हें सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉक।